हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो मम्मा। ओके सो पीपल हैव जॉइंड, सो लेट्स स्टार्ट अवर लाइव टुडे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ महिमा सरीन फ्रॉम मुंबई, होम बेकर होम शेफ। आप सभी का वेलकम करती हूँ अमूल के फेसबुक पेज पे सिंपल होममेड रेसिपीज लाइव सीरीज में। तो इस लाइव सीरीज में आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी क्यूकम्बर रोल्स। बहुत ही बढ़िया एक रोल है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक ये सैलेड के तरीके से भी है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक डीकंस्ट्रक्टेड रायता है ये। बहुत ही आप देखेंगे अभी जब रेसिपी तो आपको समझ में आएगा, एंड बहुत हेल्दी है ऑब्वियसली क्योंकि वेजिटेबल्स डाल के बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एक और रेसिपी शोकेस करने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है मेरी रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हेल्दी क्यूकम्बर रोल्स है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली क्यूकम्बर रोल्स है तो क्यूकम्बर तो हम लेंगे ही, और इसको क्या करेंगे कि मैं इसको मैं वॉश करके रख चुकी हूँ ऑलरेडी, और ऐसा एक पीलर इसमें चाहिए होता है, ठीक है। ये पीलर से आपको इसको कट करना है, ऐसे इसके लच्छे निकालने हैं। तो जो पहला निकलेगा वो थोड़ा सा आपका पील निकलेगा, वो आप डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद जो है आपका अंदर से क्यूकम्बर निकलेगा, एंड मेक श्योर कि आप ऐसे इसको थोड़ा प्रेस करके निकालिए, तो ऐसे पूरा लंबा दोनों साइड से आपका ऐसे लच्छा निकल जाएगा। अगर हाफ भी निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरे में वो थोड़ा सा अच्छे से बनता है। ये देखिए एकदम ऐसे अच्छे से आप इसके निकाल लेंगे रिबन्स। और जब ये सीड का पार्ट आता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हाफ हाफ लेके भी आप ज्वाइन करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ब्रॉड से रिबन्स निकालेंगे क्यूकम्बर के, और दो चार निकाल लेती हूँ। तो ये हमारे रिबन्स निकल चुके हैं काफी सारे। थोड़ा सा जैसे आपको लगे कि कुछ अब अनइवन हो गया है तो एक बार इसको एक नाइफ से कट दे दीजिए, या आप एनीवेज बाद में यूज कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आप ऐसे रिबन्स निकाल लेंगे। तो चलिए अभी मेरे को जितना बनाना है उसके लिए मेरे पास काफी रिबन्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, विजिबल है आपको क्लियरली? यस, फाइन। मैंने अमूल का मस्ती दही लिया, अमूल का मस्ती दही ले लेंगे, और इसको आपको हंकर चाहिए तो 24 आवर्स के लिए इसको एक छन्नी में टी स्ट्रेनर में डाल के और आप इसको फ्रिज में रख छोड़ेंगे। इसको बाहर नहीं रखना है नहीं तो ये बहुत खट्टा हो जाएगा। तो फ्रिज में रखेंगे 24 आवर्स के लिए, और देखिए एकदम ये क्रीमी हंकर्ड हमें मिल गया है। इसमें वैसे ही वाटर कंटेंट कम होता है, बहुत अच्छा इसमें मतलब जो मस्ती दही होता है बहुत गाढ़ा होता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट,
इसलिए मैं आपको ये डीकंस्ट्रक्टेड रायता कह रही थी, क्योंकि हम लोग जो खीरे का रायता है उसमें भी क्या करते हैं, खीरा डालते हैं, दही यूज करते हैं, तो ये एक अलग वेराइटी वेरिएशन हो जाएगा। थोड़ा सा जीरा, भुना जीरा पाउडर, यस यस, बैक साइड से भी निकाल सकते हैं एक साइड, हाँ अगर अनइवन हो गया तो आप साइड चेंज करके निकाल सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया इनफैक्ट। एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट में वेरिएशन देने के लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब स्पाइसेस और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए, अब क्या करते हैं, मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ, एक कुक्ड बताऊंगी और एक रॉ बताऊंगी। ये दोनों तरीके से बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने अपना एक ग्रिल पैन यहाँ पे ऑन किया है, ये भी आपको विजिबल है राइट, या ग्रिल पैन मेरा हीट हो रहा है, तब तक हम हमारा जो रॉ वाला है वो रेडी करेंगे। अब देखिए, ये जो हंकर्ड है इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड कैरेट्स। ग्रेटेड कैरेट इसलिए लेना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट ये रोल्स बनने वाले हैं, तो अगर आप चॉप करते तो कैरेट बाइटिंग में आता है, ग्रेटेड जो रहता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ग्रेट करके इसमें डालेंगे। बहुत फाइनली चॉप्ड मैंने कैप्सिकम लिया है, बीटरूट, लेकिन ये मैं इसमें नहीं डालूंगी, रीजन इसका कलर पूरा पिंक हो जाएगा, तो ये हम ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। बीटरूट को भी मैंने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है, जो एकदम पतली वाली जो ग्रेटर आती है उससे ग्रेट करेंगे, तो ये मुंह में बाइटिंग में आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो अब मेरा ग्रिल पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अमूल का बटर, बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको बस स्प्रेड करना है पैन पे। एंड एक जो आपका लच्छा है वो आपको इस पे चार ग्रिल कर लेना है, और जब तक हम हमारे दो तीन लच्छे यहाँ रखते हैं, ये देखिए, अगर आपका हाफ हाफ टूट रहा है आप ऐसे लेयर्स में बना के पूरा एक बड़ा रोल बना के भी उसको कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, काफी रोल्स हो गए। इसको टर्न बहुत कुक नहीं करना है क्यूकम्बर को, और हाई फ्लेम पे ही करेंगे क्योंकि बस हमको एक हल्का सा ग्रिलिंग इफेक्ट चाहिए और बटर का फ्लेवर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्रेड कर लेंगे रोल्स पे, जो हमारा हंकर्ड का मिक्सचर है। लाइन्स आ गई हैं, ग्रिल इफेक्ट आ जाएगा और एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा इसमें, तो वो भी बहुत यम्मी लगता है, और कई लोगों को रॉ पसंद आता है तो आप इसको रॉ भी बना सकते हैं, बोथ वेज आप ये बना सकते हैं, बट दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अब जो है गैस मैं बंद कर देती हूँ, ये मेरा हो गया है कुकम्बर जो ग्रिल पैन पे था, और उसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि मैं और हीट में रखूंगी तो वो और कुक होता जाएगा। इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे हमारा थोड़ा सा बीटरूट। तो देखिए, इस बहाने क्या होता है कि हम सारी वेजीज खा भी लेते हैं एंड साथ में ये कलर भी बहुत पिंक। अगर आप बीटरूट का ही बना रहे हैं कुछ तो आप मिक्स कर दीजिए, तो आपका जो आपका योगर्ट है हंकर्ड उसका कलर पिंक हो जाएगा, बट अगर आप चाहते हैं कि वो व्हाइट दिखे तो फिर आप ऐसे बीटरूट ऊपर से स्प्रेड कर दीजिए। और
कनेक्शन की वजह से कट हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं किया है। इज एवरीथिंग फाइन? बीच में कुछ नेटवर्क का इश्यू आया था, ठीक है। तो मैंने अभी एक रोल किया है, मैं आपको और करके बताती हूँ। ये देखिए, धीरे से इसको होल्ड करेंगे और इसको ऐसे रोल कर। वाओ, है ना ब्यूटीफुल एकदम, एंड बहुत यूनिक सी डिश लग रही है। आप गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव इट। दिखने में भी बहुत अच्छा है, हेल्दी तो है ही, आप देख ही सकते हैं। और अब जो ये हमारा, देखिए कितनी सुंदर इसमें ग्रिल्ड लाइंस आ गई है, इसको भी हम सेम वे में हंकड़ लगा के थोड़ा सा बीटरूट स्प्रेड करके। वेजिटेबल्स आप इसमें और भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। राइट, तो रेडी हो गए हैं हमारे बढ़िया क्विक से अमूल मस्ती दही हेल्दी क्यूकम्बर रोल्स। और जल्दी से मैं आपको इसका एक क्लोज लुक देती हूँ। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और ये बच्चे ऐसे गपा गप खा जाते हैं। थैंक यू मम्मा, यस वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी इम्प्रेसिव। आपके गेस्ट आते हैं और आप ऐसे सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स दिखेगा ये। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है, आप इसको जरूर ट्राई करिए, मुझे टैग करिए, अमूल को टैग करिए, एंड जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू अमूल वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैं आज का सेशन यहीं खत्म करती हूँ, थैंक यू मम्मा। चलिए ओके, बाय बाय।